हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सीखो इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं प्रिंस तिवारी। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि देखिए, हमारे डीडी फ्री डिश से 18 चैनल जो काटे गए हैं, तो उसकी मनोरंजन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मेरे इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आपका डीडी फ्री डिश पहले से इंस्टॉल था, उसमें से 18 चैनल आपके जो सीरियल वाले मिक्स चैनल थे वो काट लिए गए हैं, तो आप उसको दोबारा देखना चाहते हैं, तो आपके पास अगर पहले से कोई कंपनी टाटा स्काई, डिश टीवी या कोई भी कंपनी की सेटअप बॉक्स हो, तो आपको उसको कैसे चालू करना है दोस्तों। तो आपको चालू करने के लिए मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा, ताकि आप तभी समझ पाएंगे कि किस सेटेलाइट को, किस सेटअप बॉक्स को किस डायरेक्शन में लगाना है तथा किस छतरी को हमको किस डायरेक्शन में लगाने हैं, जिससे हमारी जो है टाटा स्काई या एयरटेल, डिश टीवी, वीडियोकॉन, जो भी कंपनी की हमारी सेटअप बॉक्स हो, उसको सिग्नल मिल सके और हमारा वो सेटअप बॉक्स चालू हो जाए दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि पहले हमारा रिचार्ज वाला कॉस्ट ज्यादा आने के कारण से हम लोगों ने रिचार्ज वाली सेटअप बॉक्स हटा करके अलग रख दी हुई थी, और मैंने एक फ्री वाला सेटअप बॉक्स आप लोगों ने लेकर के उसमें इंस्टॉल कर दिया था दोस्तों, जिससे कि आपकी सारी प्रसारण फ्री में दे रही थी दोस्तों। लेकिन आज नहीं, 1 तारीख से आपके डीडी फ्री डिश से 18 चैनल काटे गए हैं दोस्तों। उसमें से स्टार उत्सव, जीएनएमओल सिनेमा, सोनी, जैसे कि आपकी मूवीज चैनल जो अच्छे अच्छे मूवीज चैनल थी वो भी काटे गए हैं, तथा आपकी जो सीरियल चैनल थी वो भी काटे गए हैं दोस्तों। तो आपको इसको फिर से देखना चाहते हैं तो आपको अपने पुराने वाले सेटअप बॉक्स जैसे कि टाटा स्काई, एयरटेल, डिश टीवी या जो भी हो, अगर आपको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको इंस्टॉल करने के लिए छतरी की डायरेक्शन को चेंज करना होता है दोस्तों। तो दोस्तों, छतरी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आप किसी भी जिस सेटअप का आपका होता है, उस सेटअप के कस्टमर केयर के पास कॉल करके और इंजीनियर बुलाना पड़ता है दोस्तों। लेकिन आज वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप अपने खुद से अपने सेटअप बॉक्स को उस रडार में कर सकते हैं जिस रडार में आपकी सेटअप बॉक्स सिग्नल लेने के कायम हो दोस्तों। तो आइए आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर आप डीडी फ्री डिश के पहले से यूजर्स हैं और आपने छतरी को रोटेट नहीं किया है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप टाटा स्काई को इंस्टॉल उस पर कर लें, तो दोस्तों आपको वेरी सिंपल कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको छतरी को रोटेट करना होगा दोस्तों। तो अगर आप टाटा स्काई के यूजर्स हैं तो आपको छतरी को रोटेट किस दिशा में करने होंगे, तो आइए आप मैं उसको क्लियर कर देता हूं दोस्तों। सपोज दैट ये देख रहे होंगे, ये जो आपको रेड कलर की एरो की है, जो ये धारी जो दिख रही है जो कॉर्नर वाली, मान लीजिए आप यहां फ्री वाला डीटीएच यूज कर रहे थे, तो आपको अगर टाटा स्काई इंस्टॉल करना है तो दोस्तों आपको इस छतरी के जो रोटेट होते हैं उस 3 नट को लूज करने होंगे, और लूज करने के बाद आपको जिस रडार में आपकी छतरी थी उस रडार से आपको मैक्सिमम 1 इंची दाहिने साइड में आने होंगे दोस्तों। यानी कि आपकी यहाँ छतरी पहले से फिक्स है तो आपको 1 इंची दाहिने साइड यानी कि यहां तक आपको आने होंगे दोस्तों। यहां तक आने पर अप डाउन कुछ नहीं करना है, केवल लेफ्ट राइट रोटेट करना है। तो दोस्तों, अगर यहां तक आप आएंगे तो आपकी रिचार्ज वाली टाटा स्काई यहां पे चालू हो जाएगी दोस्तों। तो ये आप समझ गए होंगे कि आपकी छतरी जहां थी वहां से आपको 1 इंची दाहिने साइड में आना है, जिससे कि आपकी रिचार्ज वाली छतरी चालू हो जाएगी दोस्तों। तो अगर वैसे भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप 2 मोबाइलों का यूज कर लें, एक नीचे और एक ऊपर अपने पास ले लें, और जिस वक्त आप छतरी को रोटेट करें उस वक्त हैंड फ्री करके मोबाइल को अपने टीवी के पास रख दे, ताकि आपकी जो आवाज बोलती है टीवी वो आप तक पहुंच जाएगी, और जब आप छतरी को रोटेट 1 इंच इधर करेंगे तो तब आपकी आवाज बंद हो जाएगी दोस्तों। जहां बंद होगी वहीं पे आपको फिक्स कर देना है दोस्तों। तो आपको मैक्सिमम यहां पे छतरी लगी हुई थी यहां से 1 इंची दाहिने साइड में आना होगा, और ये टाटा स्काई यहाँ पे चालू हो जाएगी दोस्तों। तो आइए अब मैं बता देता हूँ आपको डिश टीवी कैसे ऑपरेट करना है दोस्तों। आप पहले से यहाँ अगर फ्री वाला इंस्टॉल करके रखे हुए थे तो आपको अगर डिश टीवी देखना है तो दोस्तों यहाँ जो आप पहले से ऑलरेडी इस पे फिक्स किया हुआ था, तो आपको अगर सिग्नल क्वालिटी बेटर था तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं डिश टीवी सेटअप बॉक्स। अगर आप यहाँ लगा देंगे तो यहाँ से आपकी डिश टीवी सेटअप बॉक्स चालू हो जाती है, क्योंकि आपकी डीडी फ्री डिश और डिश टीवी एक लय में चलती है दोस्तों। अगर आपकी सिग्नल क्वालिटी कम है
तब आप डिश टीवी चालू करना चाहते हैं, तो आपकी अगर मान लीजिए यहाँ पे डिश टीवी चालू किए थे, तो आपको यहाँ से मैक्सिमम हाफ इंची से कम थोड़े से आपको दाहिने साइड में जाने होंगे, यानी कि इतनी सी आपको स्पेस लेने होंगे जिससे आपकी सिग्नल क्वालिटी बढ़ जाएगी और डिश टीवी चालू हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप डिश टीवी के यूजर्स हैं तो इतना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप सिंपली सेटअप बॉक्स को कस देंगे चालू हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप एयरटेल के यूजर्स हैं तो अगर आप ये लय में, अगर ये जो आप देख रहे हैं इस लय में अगर आप सेटअप बॉक्स लगाए हुए, छतरी फिक्स किए हुए हैं, तो आपको यहां से 1.5 इंची यहां तक आने होंगे दोस्तों। ये स्पेस जो आपको दिख रही है यहां से लेफ्ट साइड, जिस रडार में आपने छतरी को फिक्स किया था उस रडार से लेफ्ट साइड 1.5 इंची आने होंगे, जिससे आपकी रिचार्ज वाली एयरटेल चालू हो जाती है दोस्तों। तो आप समझ जाइए कि आपकी जहां पे फिर पहले से सेटअप कसी हुई है वहां से 1.5 इंची लेफ्ट साइड में आने होंगे, तब आपकी एयरटेल चालू होगी दोस्तों। तो अगर आप वीडियोकॉन के यूजर्स हैं तो आपको ये रेड वाली, ये जो रेड वाली एरो दिख रही है, यहां से आपको पूर्णतः 3 इंची दाहिने साइड में आने होंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियोकॉन की सैटेलाइट बहुत ही कॉस्टली होती है, उसकी सिग्नल क्वालिटी बहुत ही कॉस्टली होती है, क्योंकि वो जल्द नहीं आती है। तो दोस्तों आपको इसको मैच कराने के लिए, अगर आप डिश टीवी के, टाटा स्काई के यूजर्स हैं तो आपको जल्दी आ जाएगी, अगर आप वीडियोकॉन के यूजर्स हैं तो आपको थोड़ी सी कठिनाई लेनी पड़ेगी दोस्तों, तब आपकी सैटेलाइट चालू होगी दोस्तों। तो आपको थोड़ा सा 2 से 3 इंची तक आपको दाहिने साइड में आने होंगे, तब आपकी वीडियोकॉन चालू होगी दोस्तों। तो अब मैं बता दूं, अगर आप इस तीनों में से किसी भी और भी चैनल हैं जिसके हमारे यहाँ प्रसारण नहीं चलती है, अगर आपके यहाँ चलती होगी तो उसका भी मैं अगले वीडियो में बना दूंगा दोस्तों। तो अगर आपको इस सेटेलाइट को चालू करने होंगे तो आपको सेम तरीके से इस सेटेलाइट को सेटिंग कर लीजिए, जिससे आपकी जो है सेटअप बॉक्स ऑपरेट हो जाएगी और आपको फिर से अपने जो पुराने चैनल खोए हुए हैं उसको आप पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस कंपनी के यूजर्स हैं, उस आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सेटेलाइट बगैर इंजीनियर और बगैर पैसा खर्चा करते हुए आपकी सेटेलाइट में सेट करा दूंगा, क्योंकि मैं भी एक डिश टीवी का ही ऑपरेटर हूं दोस्तों। तो इसलिए मैं आपका ख्याल रखते हुए इस वीडियो को बनाया है। तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।